दोस्तों, अगर मैं कहूं कि महंगाई की इस दौर में एक MBBS डॉक्टर अपने पेशेंट से फीस में सिर्फ 10 रुपए लेता है, जिसके हॉस्पिटल में एडमिट होने पर सिर्फ 50 रुपए बेड चार्ज लगता है, तो आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आपको ऐसे डॉक्टर से मिलाते हैं जिसने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धन दौलत की बजाय ह्यूमैनिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। मामूली सी 10 रुपए फीस लेकर मरीजों का इलाज करने वाली ये आउट ऑफ बॉक्स शख्सियत है मोहतरमा डॉक्टर नूरी परवीन। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। विजयवाड़ा के एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी नूरी परवीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उर्दू मीडियम से पूरी की और फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अपना MBBS पूरा किया। अपने अब्बू मोहम्मद मकबूल और दादा नूर मोहम्मद के गरीब मजलूमों को मदद करने के जज्बे से प्रभावित नूरी परवीन बड़ी होकर गरीबों मजलूमों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी और यही नेक इरादा लेकर फरवरी 2020 को डॉक्टर नूरी परवीन ने आंध्र प्रदेश के कड़पा में अपना हॉस्पिटल खोला, लेकिन मार्च में लॉकडाउन के चलते हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब वर्ग को होने वाली असुविधाओं का ख्याल आते ही डॉक्टर नूरी परवीन बेचैन हो गई और दूसरे ही दिन हॉस्पिटल शुरू कर दिया, वो भी 24/7 ऑलवेज ओपन की तर्ज पर। डॉक्टर नूरी परवीन ने हॉस्पिटल के एक रूम में ही खुद का आशियाना बना लिया, दिन रात लोगों की सेवा में लग गई। 10 रुपए चेकअप फीस लेने वाली डॉक्टर नूरी परवीन के अस्पताल में हर रोज 100 से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर नूरी इन सभी को अटेंड करती हैं और इससे मिलने वाले इनकम से वो खुश है। डॉक्टर नूरी परवीन के अस्पताल में एक OPD, 3 बेड्स वाला एक वार्ड, एक लैब और एक फार्मेसी है। फार्मेसी से मिलने वाले इनकम से नूरी परवीन को हॉस्पिटल रेंट, स्टाफ सैलरी और बाकी सभी खर्च पूरे करने में मदद मिलती है, लेकिन पेशेंट्स का दवाई पर होने वाला खर्च कम से कम हो इसका भी वो ध्यान रखती है। हॉस्पिटल की महंगी फीस से बदनाम हुए डॉक्टरी पेशे को नूरी परवीन एक नया आयाम देना चाहती है। गरीब वंचित वर्ग के लोगों को मदद करना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना डॉक्टर नूरी परवीन अपना फर्ज समझती है। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर नूरी परवीन ने कई मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के COVID-19 आइसोलेटेड सेंटर में कोरोना योद्धा के रूप में काम किया और अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। लॉकडाउन के दौरान हर रोज 100 से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को खाना मुहैया कराकर डॉक्टर नूरी परवीन ने अपना इंसान होने का फर्ज भी निभाया है। छोटी सी उम्र में नूरी परवीन को समाज के कई समस्याओं का एहसास है और इन्हीं समस्याओं पर आधारित कई मोटिवेशनल वीडियोस में उन्होंने एक्ट भी किया है। डॉक्टर नूरी परवीन अपनी तरह सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलकर एक NGO भी चलाती है, नूर चैरिटेबल ट्रस्ट। गरीब वंचित वर्ग को किताबें, कंबल, बेडशीट और कई जिंदगी जीने के लिए जरूरी सामान मुफ्त में मुहैया कराना इस NGO का मकसद है। इंस्पायरिंग हेल्दी यंग इंडिया के जरिए डॉक्टर नूरी परवीन यंग जनरेशन को फिट और हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करती है। डॉक्टर नूरी परवीन को उनके निस्वार्थ सेवा के लिए अलग अलग सेवा भाई संस्थानों ने सम्मानित भी किया है। कड़पा के लोग डॉक्टर नूरी परवीन को सम्मान देकर उन्हें मदर टेरेसा ऑफ कड़पा भी कहते हैं। नूरी परवीन साइकियाट्री में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती है और चाहती है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जहाँ की कंसल्टेशन फीस भी सिर्फ 10 रुपए हो। दोस्तों, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे न्यू जनरेशन को आप पूछोगे कि आपको प्यार चाहिए या पैसा, तो यकीनन वो कहेंगे पैसा। लेकिन न्यू जनरेशन की इस लड़की ने पैसों के बजाय समाज के गरीब मजलूम वंचित वर्ग के प्यार को चुना। अपने MBBS की पढ़ाई के दौरान सेकंड ईयर में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई। दोस्तों, हिंदुस्तान में नफरतें फैलाने वाले और धर्मों को बांटने की साजिश में लगे लोग शायद ही ये जानते हो कि हिंदुस्तान के कण कण में ऐसे लोग बसे हैं जो बिना जात पात, धर्म, वंश, ऊंच नीच देखे समाज सेवा करते हैं।
समाज सेवा का जज्बा रखने वाले वो तमाम लोगों को और समाज सेवा को अपना फर्ज समझने वाली मदर टेरेसा ऑफ कड़पा डॉक्टर नूरी परवीन को दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स जरूर करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियोस को देखने के लिए ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।